बच्चों गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? अच्छे होने चाहिए। ठीक है, लॉकडाउन बढ़ गया है, ठीक है, इसलिए सख्ती से अपना काम करते रहो और नियम का पालन करते हुए क्या करना है, पढ़ाई को भी आगे बढ़ाते रहो। ठीक है, क्योंकि जो भी क्लास आप पढ़ चुके हो वो दोबारा क्लास में पढ़ाया नहीं जाएगा, उसको रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, लेकिन चीज़ों को क्या करना है, आपको धीरे धीरे क्या करना है, समझते जाना है। ठीक है, जो भी क्लास आप लोगों को वीडियो बना के डाला जाता है उस चीज़ को देखा करो। ठीक है, बहुत कम व्यू मिलता है तो इसलिए कोशिश किया करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखा करो इस वीडियो को। ठीक है, कंटिन्यूसली, ताकि आपको जो भी क्लास स्टार्ट होगा वो आपको उसमें आगे ही पढ़ाया जाएगा, पीछे की चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखते हैं आज का क्वेश्चन आरडी शर्मा से है। ठीक है, कह रहे कि ए वी इज अ लाइन सेगमेंट, क्या ए वी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, एंड एल इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सबसे पहले ए बी एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ए बी हो गया। ठीक है, ये हमारा लाइन हो गया। और क्या एल इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल क्या है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब क्या है कि ए बी के ऊपर एल लंब है। ठीक है, और वो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है ए बी को। ठीक है, यानी कि ए वाला लेट कर लेते हैं, ध्यान से देखो ये क्या हो रहा है कि ए बी को दो पार्ट में लाइन एल डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कह रहे कि इफ ए पॉइंट पी लाइज ऑन एल, तो कह रहे कि यदि कोई पॉइंट पी है, ठीक है, जो एल के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब ये एल वाली लाइन है, इसके ऊपर कहीं पॉइंट पी लाई कर रहा है। ठीक है, तो सो दैट पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, तो कह रहे कि प्रूव करना है कि पी है वो ए और बी से सेम दूरी पे है, मतलब प्रूव करना है कि ए वाला जो लाइन है वो ए लाइन के क्या है, बराबर है। यानी कि हमको प्रूव करना है कि ए पी है वो किसके बराबर है, पी बी के बराबर है। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, हमको प्रूव करना है कि ए पी है वो पी बी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि जो सी ए लाइन कट कर रही है ए बी को, वो मान लेते हैं कि लेट सी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट है ये, क्योंकि परपेंडिकुलर है, और बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया कि मिड पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सी है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, यानी कि ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, क्लियरली लाइन एल पासेस थ्रू सी, और जो लाइन एल है वो कहाँ से पास करेगी, वही से सी से ही पास करेगी, क्योंकि ये जो बाइसेक्टर एल ही लाइन ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड करिए, तो मान लेते हैं कि जो सी है वो क्या है, एल पर भी स्थित है और ए बी का मिड पॉइंट है, और एल क्या है, ए बी को कट कर दिए बराबर बराबर पास। ठीक है, पास थ्रू टू सी एंड इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और वो क्या है, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, कौन सा पॉइंट, सी। ठीक है, यानी कि ये जो कोण है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो ट्रेंगल, एक ए वाला, ये दूसरा ए वाला है। ठीक है, तो हम दोनों ट्रेंगल को अलग कर लेते हैं, ध्यान से देखो, पी सी ए और पी सी बी, देखो अगर एक साथ रहेगा ना तो थोड़ा लिजली टाइप का दिखता है। ठीक है, इसलिए कोशिश किया करो जब भी प्रूविंग आएगा तो उसमें जो भी डायग्राम आपको दिखता है उसको सीधे सीधे अलग अलग बना लिया करो। ठीक है, अलग अलग रहेगा तो आप पार्ट्स को अलग अच्छे से समझ पाओगे, अगर एक ही में रहेगा तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया कि पी सी ए को अलग कर दिया और पी सी बी को अलग कर दिया। ठीक है, यहाँ पे दोनों ट्रेंगल को अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं इन ट्रेंगल पी सी ए एंड ट्रेंगल पी सी बी, पी सी ए और पी सी बी में ध्यान से देखो, ए सी बराबर क्या है, सी बी, ये पहले ही दिया हुआ है कि बाइसेक्टर है, मतलब ए वाला साइड है वो इस वाले साइड के बराबर है, यानी कि बाइसेक्टर हुआ तो अल बराबर हो गया, यानी कि ए सी है वो सी बी के बराबर हो गया। ठीक है, और एंगल क्या है, पी सी ए इक्वल टू पी सी बी, पी सी ए इक्वल टू पी सी बी इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, दोनों कोण के 90 90 है। ठीक है, और पी सी इक्वल टू पी सी, दोनों में कॉमन साइड है, पी सी है इसमें भी पी सी है, तो ध्यान से देखो साइड एंगल साइड,
हो गया, यानी कि साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड। साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये भाई साइड एंगल साइड थ्योरम से क्या हो गया, ट्रायंगल PCA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PCB। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम तो जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट होता है तो कोई भी पार्ट, तो उसके सभी पार्ट्स क्या होते हैं, दूसरे ट्रायंगल के, यानी कि पहले वाला ट्रायंगल या कोई भी पहले वाला बॉडी का दूसरे और बॉडी के पार्ट से क्या होता है, हमेशा बराबर बराबर यानी कि इक्वल पार्ट में होता है। तो यू नो दैट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल इन देयर पेयर ऑफ पार्ट्स, यानी कि जो उनके पार्ट्स होते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल हुआ, ये वाला इसके इक्वल हुआ, तो ये भी क्या होगा, इसके इक्वल होगा, ही होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी। यही हमको सिद्ध करना था कि ए पी या पी ए वो पी बी के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, और ध्यान से देख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दो तीन बार पूछा गया है, ठीक है, नाइन्थ क्लास में। कह रहे कि इन द फिगर पी एस इक्वल टू क्यू आर, ठीक है, एंड एंगल एस पी क्यू इक्वल टू आर क्यू पी। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं हमको दिया क्या है, ये हमारे पास फिगर है, ठीक है। तो दिया कि पी एस है, यानी कि ए वाला जो साइड है वो क्यू आर के बराबर है, यानी कि क्यू आर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू आर एस, ठीक है, इसमें कुछ साइड दिया हुआ है, ठीक है। पी एस है वो क्यू आर के बराबर है, ठीक है, और दिया कि एंगल एस पी क्यू, यानी कि एस पी क्यू ये वाला एंगल है, ये वाला, ठीक है, पूरा, ठीक है, वो इक्वल है किसके, आर क्यू पी, आर क्यू पी, यानी कि ए वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि प्रूव दैट ट्रायंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू पी आर, यानी कि पी क्यू एस, ध्यान से देखो, पी क्यू एस ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, वो किसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, क्यू पी आर, क्यू पी आर ये वाला कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करना है। फिर क्या करना है कि पी आर बराबर पी आर, यानी कि ये वाला देखना, पी आर है वो क्यू एस के इक्वल है, ठीक है, और एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर यानी कि ए वाला जो एंगल है, ठीक है, अकेले वो पी क्यू एस के इक्वल, यानी कि इस वाला छोटे से एंगल के क्या है, इक्वल, यानी कि ए वाला और ये वाला क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल पे चलते हैं, ध्यान से देखो, पी क्यू एस, पी क्यू एस, तो हमने इसको अलग ट्रायंगल बना लिया, पी क्यू एस, बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है, अलग अलग बना लिया करो, एकदम डायग्राम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पी क्यू एस को अलग कर लिया, फिर क्या कर रहे हैं, क्यू पी आर, देखो क्यू पी आर, हमने क्यू पी आर है ना, क्यू पी आर, इसको भी हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया, ठीक है, दोनों ट्रायंगल अलग अलग हो गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसी में समानता देखनी है हमको कि कौन कौन सा पार्ट इक्वल है, ध्यान से देखो, पी क्यू है वो पी क्यू के बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, कॉमन पॉइंट है, कॉमन साइड हो गया, पी क्यू के हमेशा बराबर होगा, और ये दिया है कि पी एस है वो किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है, ऐसे डायग्राम में दिया हुआ है, देखो पी एस है वो क्या है, क्यू आर के बराबर है, यानी कि ए वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के बराबर है, तथा एंगल ध्यान से देखो, एस पी क्यू, एस पी क्यू यानी कि ए वाला जो एंगल है वो किसके बराबर है, आर क्यू पी, यानी कि आर क्यू पी ये वाला एंगल के बराबर है, ध्यान से देख लो। तो ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड, तो साइड एंगल साइड से नहीं हो गया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो वही चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो, इन द गिवन ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस एंड क्यू पी आर, क्यू पी आर में ध्यान से देखो, पी एस इक्वल टू क्यू आर, ये तो गिवन है डेटा, यानी कि पी एस है वो क्यू आर के बराबर है,
एंगल एस पी क्यू यहाँ पे भी दिया एस पी क्यू आर क्यू पी के बराबर है, आर क्यू पी के बराबर दो चीज़ें गिवन हुआ। तीसरा क्या हो गया पी क्यू बराबर पी क्यू, दोनों में कॉमन साइड है तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। साइड एंगल साइड से क्या हो गया दोनों ट्रायंगल क्या हो गया देयरफॉर ठीक है वाइस एंगल साइड एंगल साइड थ्योरम से ट्रायंगल पी क्यू एच कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू पी आर ठीक है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो सभी पार्ट्स क्या हो गए इसके बराबर होगा। तो ध्यान से देखो पी क्यू के बराबर था पी एस, आर क्यू के बराबर क्यू आर के बराबर है तो ये वाला क्यू एस होगा क्या पी आर के बराबर नहीं होगा, तो इसलिए क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल होगा, इसलिए क्या हो गया क्यू एस हो गया वो पी आर के बराबर हो गया। ये भी प्रूव्ड हो गया, ये भी हो गया प्रूव। थर्ड कौन सा बोल रहा है दिखाना कि एंगल क्यू पी आर, देखो क्यू इसमें क्यू पी आर यानी कि ए वाला जो एंगल है वो किसके बराबर होना चाहिए इस वाले एंगल के बराबर होना चाहिए, तो नहीं हो गया। देखो दोनों ट्रायंगल को ऐसे इसको पलटी मारो और इसके ऊपर रख दो तो देख लो पी वाला पॉइंट क्यू एल पे मिलेगा, क्यू वाला पी पे मिलेगा और आर वाला किस पे मिलेगा एस पे मिलेगा। तो इस तरह से जो ए वाला एंगल होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा, ए वाला इसके बराबर ही है तो एस वाला भी किसके बराबर हो जाएगा आर के बराबर हो जाएगा ठीक है। तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। एक क्वेश्चन और ध्यान से देखेंगे ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ठीक है, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, ये लॉन्ग क्वेश्चन है ठीक है। कि इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस एस ऑफ अ राइट ट्रायंगल ए बी सी, करे कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी वो कैसा है राइट एंगल है मतलब बी पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ठीक है, और डी क्या है उसका मिड पॉइंट है किसका हाइपोटेनस का, यानी कि ए सी हमारा हो गया एस ए सी हाइपोटेनस, उसका डी है ये जो पॉइंट डी है वो क्या है मिड पॉइंट है यानी कि ए डी इक्वल टू डी सी ठीक है, बिल्कुल यही काम करना है। तो प्रूव कर दैट बी डी इक्वल टू हाफ ए सी, तो हमको प्रूव करना है कि बी डी है वो किसके बराबर है ए सी का आधा के बराबर है मतलब ए डी या डी सी के बराबर है ठीक है, ये भी हमको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है ठीक है पाँच नंबर वाला में, तो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हमारे गिवन क्या है कि डी जब मिड पॉइंट होगा ए सी का तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी सी, सिंपल सी बात है, और एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर है, तो हमको प्रूव करना है कि बी डी है वो ए सी का आधा के बराबर होना चाहिए ठीक है। तो छोटा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे ठीक है, क्या करेंगे बी डी को आगे की तरफ बढ़ा के ई तक ले जाएंगे और ई से क्या करेंगे यहाँ पे सी को मिला देंगे ठीक है, छोटा सा कॉन्स्टेंट वही लिखा है प्रोड्यूस बी डी टू ई, बी डी को ई तक प्रोड्यूस किया सो दैट बी डी इक्वल टू डी, ऐसे हमको प्रोड्यूस करना है कि बी डी है वो डी ई के बराबर होना चाहिए, यानी कि ए वाला जो साइड है वो इसके क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए ठीक है, वैसे प्रोड्यूस करना है एंड ज्वाइन ए सी और ई को सी से क्या करना है ज्वाइन करना है ठीक है, सिंपल सी सा। तो हमको प्रूव करना है ध्यान से देखना इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी और बी एंड सी डी ए यानी कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करते हैं, हमने अलग अलग कर दिया ए बी डी या ए डी बी और सी डी ई या ई सी डी जैसे भी ले लो आपकी इच्छा ठीक है। ए डी बराबर क्या है ए डी है वो किसके बराबर है डी सी के बराबर है, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो कि ए डी है वो डी सी के बराबर है क्योंकि मध्य पॉइंट है ठीक है मिड पॉइंट है, और बी डी बराबर डी हमने कंस्ट्रक्शन में लिया है कि बी डी वो क्या होना चाहिए डी के बराबर, यानी कि बी डी है वो डी के बराबर होना चाहिए, यानी कि बी डी है वो डी के बराबर होना चाहिए। और ए देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ पर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा क्योंकि दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो यहाँ से बी डी ए एंगल बी डी ए इक्वल टू एंगल सी डी ई लिख सकते हैं ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया ठीक है। तो यहाँ पर वाई एस ए एस साइड एंगल साइड देख लो
साइड साइड एंगल हो गया, तो साइड एंगल साइड ले सकते हैं। ट्रेंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ई डी सी, ए डी बी है वो कॉन्ग्रुएंट है ई डी सी के, ठीक है। तो जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो सभी पार्ट बराबर होगा, यानी कि क्या हो जाएगा ए बी बराबर क्या आएगा ए सी, यानी कि ए बी होगा और किसके बराबर हो गया ए सी के, और एंगल होगा यहाँ पे ध्यान से देखो ये वाला इस एंगल के बराबर, तो ई वाला किसके बराबर होगा सी के बराबर होगा, और बी वाला किसके बराबर होगा सी डी के बराबर। फिर यहाँ पे ई वाला ध्यान से देखो सी डी ई एंगल सी डी ई और ए बी डी सॉरी ए बी डी और सी डी सॉरी गलती लिखा है यहाँ पे, जो ए बी डी होगा यानी कि ए बी और डी ये वाला जो एंगल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे कौन सा एंगल होगा एंगल डी ई सी, ठीक है। यानी कि जो एंगल होगा यहाँ पे ए बी डी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे देख लो ई वाला एंगल होगा वो किसके बराबर यहाँ पे होगा, क्योंकि इसको पलट दो यहाँ पे पलट के यहाँ पे करेंगे ना इधर, तो ये वाला उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एंगल ए बी डी ये वाला एंगल होगा किसके बराबर हो जाएगा इसके, यानी कि डी ए सी के, ठीक है। यानी कि ए वाला जो छोटा सा इंटरनल एंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा इसके एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ए सी, और यहाँ वही चीज़ यहाँ पे होगा, यानी कि एंगल ए बी डी सिंस एंगल ए बी डी और डी ई सी जब ये दोनों इक्वल होगा यहाँ पे, तो ये कह सकते हैं कि जब ए वाला एंगल के इक्वल होगा तो ये लाइन जो कट कर रही है वो क्या होगा यहाँ पे जो होगा डी ई सी होगा, ठीक है। एंगल डी ई सी यानी कि ए वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो बी ई है एक लाइन है वो ए बी और ए सी को क्या कर रही है कट कर रही है इसे सामने से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब वर्टिकल ए वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होगा तो ए जो ए बी होगा वो पैरेलल किसके होगा ए सी का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल के थ्रू, ठीक है, कि ए बी डी है और डी ई सी के इक्वल है, यानी कि डी ई सी के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी है वो पैरेलल किसके हैं ई सी के, यानी कि ए बी है वो पैरेलल किसके ए सी का है, ठीक है। और यहाँ पे होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, वो कितने के बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल यानी कि ए वाला जो एंगल है पूरा यहाँ पे ध्यान से देखो बीच का कहीं पे भी ए बी लाइन हो गया ए सी हो गया, और इसको अगर आगे की तरफ बढ़ाया जाए और इसको भी, तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, दोनों अगर ऐड करते हैं तो 180 डिग्री के बराबर सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो वही ए बी सी आ प्लस का ई सी बी, ए बी सी आ प्लस का ई सी बी, ये दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ गया 180 डिग्री है, जबको हमको दिया है कि ए बी सी की वैल्यू कितना है 90 डिग्री है, राइट एंगल है, इसलिए इस 90 प्लस ई सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 को उधर भेजो तो एंगल ई सी बी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ई सी बी यानी कि ए बी एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ध्यान से देखना, देख लो एक बार, ठीक है। अब इस हम ट्रायंगल क्या करेंगे ए बी सी और ट्रायंगल बी ई सी या सी ई सी डी को लेते हैं, ध्यान से देख लो, हमने लिया ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी और ई सी बी दोनों ट्रायंगल को हमने क्या किया अलग अलग कर दिया ए बी सी ये वाला और एक ए वाला, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ कि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर क्या है ए सी का, अभी यहाँ पे निकाल लेते हैं कि ए बी और क्या होगा ए सी बराबर होगा यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट के थ्रू, ठीक है। ए बी बराबर क्या हो गया ए सी, और बी सी बराबर सी बी यानी कि दोनों बी सी और सी बी एक ही में, दोनों साइड के लिए सेम है, बीच में है ना, ध्यान से देखो
बीसी लो चाहे सी बी लो, दोनों क्या एक ही होगा। तो ये दोनों ट्रेंगल में आ रहा है, ए बी सी वाला में भी आ रहा है, ई सी बी वाला में भी आ रहा है, ठीक है। तो बी सी और बी सी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और जो एंगल बी होगा वो एंगल सी के बराबर होगा, अभी 90 डिग्री आया था, ठीक है। यानी कि एंगल ए बी सी और ई सी बी ये कितने के बराबर होगा, 90 डिग्री का। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रेंगल ए बी सी कंग्रुएंट टू ट्रेंगल ए ई सी बी, यानी कि ये वाला ट्रेंगल क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, यानी कि ए सी वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो ये वाला साइड किसके बराबर होगा, इस वाले साइड के बराबर होगा। यानी कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ट्रायंगल ए बी सी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ए सी बराबर ई बी दोनों तरफ वन टू से डिवाइड कर दो, तो ये भी 1/2 हो गया, इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, तो 1/2 ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 बी ई, 1/2 बी ई, ध्यान से देख लो, 1/2 अब बी ई, बी ई का आधा क्या है, डी बी होगा, या ई डी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों हमने क्या लिया था, बराबर हो गया। तो इसलिए 1/2 ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लेना पूरे क्वेश्चन को, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ओके, एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा।